देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले फिर बढ़ने लगे, जिससे देश में भयावह माहौल बनता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 16,577 नए मामले सामने आए और 120 लोगों की जान गई। हालांकि 12,179 लोग ठीक भी हुए। अच्छी बात ये भी है कि बीते दिनों से कुछ राज्यों में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। इससे पहले बुधवार को 16,738 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं बात की जाए कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को एकदम से 12 नए मामले सामने आए थे, जो कि चिंता की बात थी। पिछले शनिवार को कोई नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन रविवार को 5 नए मामले सामने आए, सोमवार को 6, मंगलवार को 3 मामले सामने आए, जिससे देश में नए स्ट्रेन से संक्रमितों का आंकड़ा 204 हो गया। वहीं राहत की खबर ये थी कि पिछले 2 दिनों से कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन आज शुक्रवार को फिर से 6 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या 210 हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार विदेश से लौटे 6 लोगों में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट पाया गया और एक मरीज ब्राजील वेरिएंट से भी संक्रमित मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज शुक्रवार को ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबंध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश हो रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।